हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पैर रखने के लिए हम आज मेसी फर्ग्यूसन वाली फुट रेस्ट महिंद्रा 575 में ओल्ड महिंद्रा में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं पहले वेल्डर के पास जाके ब्रैकेट बनाऊंगा फुट रेस्ट लगाने के लिए, वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अभी ब्रैकेट बनाने का काम चल रहा है। एकदा खाली ती नट बसली ना बरोबर, ये आप देख सकते हो ब्रैकेट बना के अब रेडी हो चुका है पूरा। बस इसकी फिनिशिंग रह चुकी है, वो करके हम इसको कलरिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ब्लैक पेंट मैंने लिया है, एशियन पेंट्स का है ये पेंट। ये आप देख सकते हो कलरिंग का काम पूरा हो चुका है। इस पर मैंने दो तीन बार कलर किया है, मतलब तीन लेयर है कलर के इस पर, ताकि ज़्यादा दिन तक चले। अब हम आगे कनेक्ट कर लेते हैं सब। ये से यहाँ पर माउंट होगा और जो डीजल टैंक के नीचे वाले बोल्ट है उसमें ये लग जाएगा। प्रॉपर कंपनी जैसी फिटिंग की है। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. ये आप देख सकते हो ब्रैकेट में फुट रेस्ट फिट करने के लिए गैस थ्रेड वाले बोल्ट्स मैंने लिए हैं। बहुत ही अच्छे रहते हैं, महंगे रहते हैं थोड़े, पर क्वालिटी रहते हैं उसको, इसलिए वो लिए हैं। तो अब आप देख सकते हो सारी फिटिंग हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या क्या किया है। पहले आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये जो डीजल टैंक के दो बोल्ट थे उसमें ही पट्टी लगा कर ऐसे ऊपर रॉड लिया है। रॉड को ऐसे सब कनेक्ट कर दिया है। ये आप ऊपर से देख सकते हो, जो ये नीचे वाला रॉड है वो ऊपर से बिल्कुल भी दिखता नहीं है। और मतलब ये मॉडिफिकेशन करने से कोई भी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको रेस की फिटिंग कैसे की है वो दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला कंपनी का रेस का रॉड है उसी को ही दूसरा रॉड हमने वेल्ड किया है, और उसको एक पत्ती वेल्ड करके आगे ली है, ये वाली ऐसे नीचे से किया है ये पत्ती। और इस मेसी वाले में जो रॉड आता था उसको एक ये पत्ती वेल्ड की है, और ऐसे करके यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट किया हुआ है। एक बार मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ऐसे वर्किंग होता है इसका। बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है ये मैकेनिज्म इसका। इसे मैंने दो दिन तक, मतलब ये लगाने के बाद ट्रैक्टर दो दिन चलाया है प्लाव पे इसी खेत में। आगे आप देख सकते हो, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है जब आप इस पे पैर रख के ट्रैक्टर चलाते हो, तो बिल्कुल मतलब कार जैसी फीलिंग आती है।
जब आप इस पर पैर रखते हो फुटरेस्ट पर, तो आपकी जो पीठ है यहाँ पर पीठ को आपके सपोर्ट मिल जाता है इसका पीछे से अच्छे से, मतलब तो बहुत ही बढ़िया फील आती है इस पर पैर रखने के बाद। एक बार मैं आपको ऊपर से बैठ के दिखा देता हूँ। यह आप देख सकते हो ऊपर से कैसे दिख रहा है। यहाँ का ये इस साइड का जो है वो थोड़ा सा बाहर है, वो बाद में हम यहाँ अंदर लेंगे थोड़ा। और ये आप देख सकते हो इस साइड का एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया मतलब फील आता है इस पर पैर रखने के बाद। और आप इधर से देख सकते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर एडजस्ट किया है और कहाँ पर नहीं, मतलब दिखता ही नहीं है ऊपर से रॉड। आप देख सकते हो कई भाई जो है वो यहाँ से वो प्लेट लेते हैं ये वाली, यहाँ से और ऐसे वेल्ड करते हैं, तो यहाँ पर वो बहुत ही दिख जाता है, आंखों के सामने बार बार आ जाता है। तो ये अपन ने जो किया है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है काम। ये प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, ये जो सिर्फ दो पेडल है वो मुझे ऑर्डर करके 900 रुपये में मिले थे, और वेल्डर ने इसके 400 रुपये लिए हैं। वेल्डर के जो है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब आपके एरिया के हिसाब से वो चेंज हो सकते हैं, तो लगभग समझो 1500 के आसपास से पूरा काम हो जाता है कलरिंग का। नट बोल्ट्स इसमें जो नट बोल्ट्स यूज़ किए हैं वो थोड़े मैंने अच्छे क्वालिटी के लिए है। ये ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग हो तो आप ये ज़रूर लगा लेना फुटरेस्ट, क्योंकि पावर स्टीयरिंग होती है तो, और इस पर पैर रख के बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा आपको ट्रैक्टर चलाने में, मतलब अलग ही ट्रैक्टर का मज़ा आएगा चलाने का। अब मैं आपको ट्रैक्टर चालू करके दिखाता हूँ कितने RPM होते हैं। ज़्यादा नहीं होते, बस रोड स्पीड के लिए काफ़ी है जितने होते हैं वो। आपने देखा ही होगा 1200 RPM हो जाते हैं इस मेसी वाले रेस से। यहाँ पर पत्ती एडजस्ट, इस पत्ती में एडजस्ट करके आप और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन रोड स्पीड के हिसाब से उतने काफ़ी है, इसलिए मैंने उतने रखे है, कोई चेंजेस नहीं किए। फिर आगे हम एक नई सीरीज लाने वाले हैं, मतलब ट्रैक्टर के रिव्यू की, जो जो बड़े ट्रैक्टर और अच्छे ट्रैक्टर से, और आपको जो ट्रैक्टर पसंद है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका हम अच्छे से वॉक अराउंड और रिव्यू, मतलब उसकी पूरी जानकारी अच्छे से हम आपको वीडियो में देंगे। ये सीरीज़ हम जल्द ही आप हमारे चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, ऐसे हम आपके लिए बढ़िया वीडियोज़ ट्रैक्टर के रिलेटेड लेते आएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।